हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है गुनीत एंड स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आज के व्लॉग में। आज अरवीन और जसवायरा साथ में नहीं हैं, मैं क्योंकि सेंट जॉन से कुछ 200 किलोमीटर दूर पख्तूश नाम के एक छोटे से शहर में आया हूं, जो कि न्यू ब्रंसविक का ही पार्ट है, जो कि लगभग मंगटन से अराउंड अबाउट 60-70 किलोमीटर पड़ता है, जो कि बड़ा शहर है मंगटन न्यू ब्रंसविक का। तो पख्तूश के बारे में आज बताएंगे थोड़ा सा। इनफैक्ट मैं पख्तूश से ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फार्मिंग के बारे में। फार्म फील्ड्स आप मेरे पीछे देख रहे हो। फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हानो जी से, जो हमारे प्रिय मित्र हैं एंड ये मेरे को आज बेसिकली लेके आए हैं फार्मिंग टूर पे, एंड ये मेरे को मिलवाने वाले हैं आगे किसी से जो ओन करते हैं फार्म्स को भी, एंड उनसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे न्यू ब्रंसविक की लैंड कितनी फर्टाइल है, इनफैक्ट कनाडा में खेती बाड़ी कैसे होती है और हाउ सिग्निफिकेंट फार्मिंग इंडस्ट्री इज इन कनाडा, एंड क्या क्या इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा क्योंकि जानेंगे आगे इसके बारे में, फैक्ट्स के बारे में। आइए बैठ जाइए, चलते हैं। फिलहाल पिक्के में बैठते हैं, यहाँ पे हम अपने ट्रक्स को पिक्का बोलते हैं, तो पंजाबी में पिक्का है यार, तो इंटरेस्टिंग है, लेट्स गो। कुछ देर घूमने के बाद अभी हम बगीचा देख ही रहे थे कि हानो जी को कुछ काम आ गया और वो अपने काम में व्यस्त हो गए, पर जाते जाते वो मेरी मुलाकात करण से करवा गए। तो थोड़ा सा फार्म दिखाने के लिए और यहाँ पे गेड़ी मरवाने के लिए मेरे साथ करण आए हैं। नाइस टू मीट यू। थैंक यू करण। एंड बड़ा ही सुंदर एरिया है, अगर आप देखो सामने पानी है, वाटर फ्रंट है, और इसी के आसपास ही इर्द गिर्द पूरा फार्म्स जो हैं एस्टैब्लिश्ड हैं, एंड आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ अ कैंपिंग एरिया एज वेल नियर बाय, राइट करण? यस, या आरवी ग्राउंड्स, आरवी ग्राउंड्स ने बड़ा पते मेन फार्मिंग फील्ड्स देखनी ने। What are these structures like? ये जो V shape में है? It's trellis system है for the better support for the trees. So you see all the wires is connected to them. We wanna have all of them attached to the small branches. So एक motion का वजन उन्हें growth हो certain way. Okay. हाँ जी। So it takes time for the growth of the apples. Yeah, trees take time to grow and like. No, they start with the fruit almost right away. Okay. We are just trying to build stronger trees ताकि अपना apples जरूर अगली साल आन, the trees weak ना रहें, सारी मतलब growth apples वाल जावे। Okay. So we have taller and stronger trees. Yeah, these are nice pears, yeah. Right? You wanna grab and eat also? You can. No, I'm yeah, I'm good. Let's just have one. Let's grab one. Yeah. It's a drive-through. Wow. It's a drive-through pear. Yeah. Wow, nice. Oh, fantastic. ये अच्छे हैं, लाल लाल पियर हैं। हाँ। खा के देख लो क्या है। हाँ। वो पूछ लो बस। हाँ। Okay. अच्छे से साफ करके। Yeah. We'll have the pear. I hope it's in better condition. हाँ। How it tastes like? It's fairly sweet. Take a bite. Yeah, sure. हार्ड नहीं, थोड़े हार्ड नहीं, हाँ। क्योंकि अरे होए नहीं, होए पूरे होए नहीं है ना, या बस फेयरली ओके, या तो गाइस, जैसे कि आज हम फार्मिंग टूर पे हैं और मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि
कनाडा के लिए फार्मिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है और सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती है कनाडा की इकॉनमी के लिए भी। तो जैसे कि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आर फर्टाइल और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेशन, वैसे ही यहाँ पे कनाडा में भी डिफरेंट प्रोविंसेस आर यू नो फेमस फॉर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोड्यूस। जैसे कि हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पंजाब इज़ फेमस फॉर पैडी राइस एंड वीट, ऐसे ही महाराष्ट्र में नागपुर जाएँ तो ऑरेंजेस फेमस हैं, आम बहुत कॉमन है यूपी में। वैसे ही अगर हम कनाडा की बात करें और वेस्ट से शुरू हुए तो बीसी में फ्रूट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट बेरीज, ब्लूबेरीज, चेरीज, सारा बीसी से आता है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ईस्टर्न मूव हो तो अल्बर्टा है, अल्बर्टा में लाइक कैटल रैंच होते हैं। उसके साथ साथ इफ़ यू मूव टूवर्ड्स ईस्ट, सस्कैचुअन और विनीपेग आर नोन फॉर ग्रोइंग पल्सेस। अगेन आप लोग जान के और एस्टोनिश हो गए कि जो हम भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारी स्टेपल डाइट है लेंटिल्स जो खाते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कैनेडा से ही होता है लेंटिल्स का। एंड आगे और जाते हैं ओंटारियो और क्यूबेक की तरफ तो वहाँ पे आइस वाइन इज़ वेरी कॉमन प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा आइस वाइन वहीं की है। एंड इनफैक्ट मेपल सिरप भी वहाँ पे काफ़ी प्रोड्यूस होता है। एंड आगे थोड़ा सा और आते हैं तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पे लोकेटेड हैं जैसे कहते हैं न्यू ब्रंसविक, तो राइट न्यू ब्रंसविक एंड अटलांटिक कनाडा, मैं आपको पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ कि हम आलू बनाते हैं, मैकेन्स है, तो यानी कि फ्रेंच फ्राइज कैपिटल बोला जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब पोटैटो फील्ड बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, पोटैटो फील्ड की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ पे न्यू ब्रंसविक में और पूरे एंटायर कॉमनवेल्थ में। न्यू ब्रंसविक को जरखेज ज़मीन का ज़खीरा बोला जाता है अगर आप फार्मर्स की बात करें या फार्मिंग लैंड की बात करें। बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की और वो अब धीरे धीरे आगे एक्सपैंड हो रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट यू नो प्रमोट कर रही है फार्मर्स को कि वो आए यहाँ पे और न्यू ब्रंसविक को एक्सप्लोर करें और फर्टाइल लैंड को यूटिलाइज करें ताकि हम आगे और प्रोड्यूस कर पाएँ खेती। तो गाइस जितना मुझे पता था फार्मिंग के बारे में मैंने आपसे शेयर कर दिया है क्योंकि आई डोंट हैव अ मच ऑफ फार्मिंग बैकग्राउंड, जस्ट अ आइडिया अबाउट इट। तो ज़्यादा समय यू नो ख़राब ना करते हुए सीधा हम फार्मिंग एक्सपर्ट से ही मिलते हैं हु इज़ हिमसेल्फ अ 8th जनरेशन फार्मर एंड ओनर ऑफ दिस एप्पल फार्म्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ही ओन्स डिफरेंट फार्मिंग फील्ड्स, फार्मिंग लैंड्स अक्रॉस कनाडा, अक्रॉस द वर्ल्ड आई वुड से। सो लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर जटाना एंड उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर जटाना, हाउ आर यू? फाइन, वेलकम गुनीत जी। थैंक यू सो मच एंड प्लेजर, आपने इनवाइट किया, बुलाया, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। थैंक यू हनोज जी, हमारे भाई हैं, थैंक यू फॉर कमिंग। श्योर। हाँ जी। सो हाउ ओल्ड बाय द वे दिस प्लांट इज, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा। दीज आर 4 इयर्स ओल्ड नाउ। ओके। प्लांट्स एंड दिस इज देयर फर्स्ट क्रॉप एंड we try to grow the tree in the young age as much as we can. So ye hai to doctor saab thoda sa kheti ke bare mein bataye, canada mein farming kaise ki jati hai, farmers ka kya role hai canada mein, and you know I don't know like probably mere dimag mein zyada questions aa nahi rahe, probably let's start with this aur baatcheet ki aisa karte hain ki baatcheet mein jo bhi sawal jawab aayenge mere dimag mein main sawal aap se karta jaunga. koi bilkul theek hai ji. haan ji, pehla kya sawal hai aapka खेती के बारे में? तो क्या है कि कनाडा में तो जैसे इंडिया, हाँ जी, में 70% जो लोग हैं, हाँ जी, वो फार्मिंग की इकानमी से जुड़े हुए हैं 70%। कनाडा में अबाउट 5% और नॉर्थ अमेरिका में कह सकते हैं। ओके। तो वी आर फार्मिंग, वी आर इन ऑर्चर्ड्स बेसिकली, ट्री फ्रूट इंडस्ट्री में। अच्छा। तो वी आर इन ट्री फ्रूट इंडस्ट्री इन स्टेट ऑफ वाशिंगटन, अदर प्लेसेस आल्सो, देन लाइक एप्पल्स, बाकी थोड़े थोड़े और क्रॉप्स भी जैसे चेरीज, एप्रिकॉट्स एंड अदर क्रॉप्स इन अदर प्रोविंसेस। ओरिजिनली यू आर नॉट फ्रॉम न्यू ब्रंसविक? नहीं, मैं बिल्कुल पहले, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स। या सो योर चाइल्डहुड? हाँ जी बिल्कुल। ओके। मैं वहाँ कॉलेज तक वहाँ था। ओके। उसके बाद देन आई केम अब्रॉड एंड आई हैव बीन फार्मिंग हियर फॉर लास्ट 40 इयर्स। वाओ।
So you said apples. So varieties of apples के बारे में बताइए, कौन कौन से varieties आप grow करते हैं and यहाँ पे आपका क्या focus है New Brunswick में? Wonderful. Very good question, Guneet जी. आपने बहुत ही अच्छा question किया. In fact, this is a सब लोग जानते नहीं है कि कनाडा में आप न्यू ब्रंसविक जैसे बहुत ही आप जरखेज ज़मीन का ज़खीरा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत कॉमन सारी कॉमनवेल्थ में सबसे बढ़िया ज़मीन पाई जाती है तो न्यू ब्रंसविक में पाई जाती है. तो हम एप्पल्स पे क्योंकि यहाँ वाटर के पानी के पास है, फ्रॉस्ट का कम खतरा है, तो हम एप्पल्स ही ग्रो करते हैं यहाँ पे, एप्पल्स ही ग्रो करते हैं. ये है कि वी हैव कम हियर 4 years ago, ये 4 साल के पौधे हैं, बाकी 3 साल के होंगे ऐसे हमारे पौधे लगाए हैं हमने. एंड आपकी कितनी लैंड है यहाँ पे, लाइक हाउ मच एकर्स ऑफ लैंड आई वुड से यू ओन, एंड क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके अपकमिंग जो यहाँ पे आ रहे हैं, या लाइक व्हाट्स द मेन फोकस? हाँ जी, यू नो, तो ये है कि हमारे पास कुल मिला के कोई ग्रुप 1700 acres के आसपास जमीन है. ओके. जिसमें हमने 550 acres के तकरीबन बाग लगाया है. वी हैव ऑलमोस्ट प्लांटेड 750,000 प्लस ट्रीज सारे, जो कि आप कह सकते हैं कि न्यू ब्रंसविक में टोटल जितने भी ऑर्चर्ड्स पुट टुगेदर हैं, हाँ जी, उससे ज़्यादा ही होंगे मेरा ख्याल. ये सबसे बड़ा बगीचा होगा अटलांटिक कनाडा का. एंड बाय नेक्स्ट ईयर वी शुड बी, द वे वी आर प्लांटिंग एवरी ईयर, राइट, वी शुड बी टॉप 5 ऑर्चर्ड्स इन कनाडा. तो अमेजिंग. हाँ जी, और हमारी मेन वैरायटीज जो आपने पूछी है वो हाई वैल्यू वैरायटीज हैं. अच्छा. हनी क्रिस्प, अम्ब्रोजिया और गाला. ओके, दीज आर द 3 मेन, यू नो, मेन आज, हाँ जी, जो कनाडा में सेल होती है, आई थिंक सो, क्योंकि मैं जब कॉस्टको जाता हूँ, हाँ जी, तो मैं हनी क्रिस्प सबसे पहले उठाता हूँ, सेकंड नंबर पे गाला उठाता हूँ, और फिर अम्ब्रोजिया इज आल्सो वेरी नाइस स्वीट, आई नो दैट. ये है कि हनी क्रिस्प के लिए ये बहुत बढ़िया यहाँ क्लाइमेट है, अच्छा वेदर है, समर इतनी हार्श नहीं है, और प्लांट्स की ग्रोथ भी उतनी नहीं है जैसे ब्रिटिश कोलंबिया या और जगह पे होती है हॉट वेदर में. तो यहाँ पैक आउट बेटर है, ज़्यादा पैक होते हैं, पर हम हमारी इसके बाद 2 इंडस्ट्री में हम चले जाते हैं. ओके. एक तो फ्रेश पैक, हाँ जी, और एक प्रोसेसिंग. फ्रेश पैक में कि आप पैकिंग लाइन जो हमारी लगा रहे हैं अभी, हाँ जी, तो उसके ज़रिए हम एप्पल पैक करेंगे बॉक्सेस में, 40 पाउंड का बॉक्स होता है, या जैसे भी कोई डिमांड है कहीं कार्टन साइज, हाँ जी, कॉरूगेटेड बॉक्स, हाँ जी, तो वो हम सारी डिलीवर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद जो फ्रूट पैकेबल नहीं है, हाँ जी, उसको हम क्रश करके जूस बना के उसके बाद साइडर में जाते हैं. तो सिंस यू हैव ग्रोन एप्पल्स और एप्पल के अब आपके पास ऑर्चिड्स हैं, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक I know that you have different businesses, like not different businesses, uh-huh, different, yes, farming fields, uh-huh, I would say, different producers, uh-huh, in British Columbia according, uh-huh, to the, you know, cultivation over there. So main jana chahunga uske ilawa bhi New Brunswick mein, are you guys planning to have some different producers apart from apples? Dekho ji, abhi kya hai ki we have started a college here, right, and which is a Canadian National Institute, jo ke, uh-huh, basically driven hai applied agriculture ke, हाँ जी, फील्ड में, yeah, और हमारे बच्चे जैसे एपिकल्चर, एपियोलॉजी, राइट, बी कीपिंग, yes, वगैरह, वो सारे कोर्सेज उनके हैं, हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज हैं, ऐसे ऐसे वाइन मेकिंग, बाकी सारे कोर्सेज इंक्लूडेड हैं. तो चिल्ड्रन विल हैव, आवर स्टूडेंट्स विल हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हियर, और इसी एरिया में हमारी डाइवर्सिफिकेशन है. वी आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हम पहले टिश्यू कल्चर से लेके प्लांट ब्रीडिंग तक करते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर प्लांट ब्रीडिंग वी कम टू द प्लांटेशन ऑफ द ऑर्चर्ड्स, एंड आफ्टर दैट वी आर इनटू ऑफ कोर्स पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट व्हिच इज पैकिंग, साइडर, एंड लेटर ऑन वी गो एंड एक्सपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सारा कुछ वी, वाओ, सो फ्रॉम कंप्लीट चेन, हां जी, या कंप्लीट चेन. तो एक काम करते हैं, बाकी की बातें थोड़ी आगे चल के करते हैं, बग्स काट रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा, पता नहीं कितने 6-8 बार मच्छर हो गए. तो चलो चलें आप, हम अंदर चलते हैं, लेट्स टॉक इनसाइड, और लेट्स टॉक, यू नो, एट द स्मॉल गार्डन आउट देयर. यस, वी कुड डू दैट. यस, that's a house you own, right? Like that's, yes, a house, that is the house. It's very, uh-huh, very this, nice and easy to administer your farms. Haan ji, ye living nearby, bilkul, this is,
आओ गुनीत जी बैठिए, अब आप वो मच्छरों से बचाते हैं. I never knew it. Like I would have taken a bug protection या कुछ क्रीम लगा. हमें तो कुछ काटता ही नहीं है, वहाँ बाहर खेती में रहते हैं ना. हाँ जी. तो आदत पड़ गई है. When the vlog was started, I told everyone that you're an eighth generation farmer. Can you just elaborate a bit on it? Eighth generation farmer, like आठ पीढ़ी farming में. मुझे ये नहीं पता कि आठ पीढ़ी से भी पहले होंगे, पर ये है कि मेरे एक great grandfather. हाँ जी. जब मैं छोटा था तो वो मुझे एक अपने जो उसको हम न्याई बोलते हैं, घर के पास फार्म है. अच्छा. तो वहाँ लेके गए. अब उन्होंने कहा कि शी बगे, मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर मुझे यहीं लेके आया था. अच्छा. तो, हाँ जी. तो वो आप भी आज भी मैं उसमें फार्मिंग करता हूँ. ऐसा है कि कोविड के टाइम पे देख रेख नहीं हो सकी. वी हैव अ स्टड फार्म, वी ग्रो अल्फा अल्फा एंड अदर क्रॉप्स ओवर देयर. कई लोग ऐसा है कि समझते हैं, अभी हम मुझे 40 साल हो गए कनाडा आए हुए, तो कहते हैं कि कहाँ जाके फार्मिंग करेंगे, बेच देंगे, जाना आना बड़ा मुश्किल है. बट मेरे लिए तो ऐसा नहीं रहा. हाँ जी. तो मैं तो आज तक वहाँ भी वैसे ही इंटरेस्ट से फार्मिंग करता हूँ. हर जनरेशन आई उसने कुछ ना कुछ ऐड ही किया उस फार्म पे, आज भी ऐड किया है. सो लाइक आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक कितने एप्पल कनाडा प्रोड्यूस करता है. मैंने वैरायटीज जान ली बाहर, बट हाउ मेनी एप्पल्स कैनेडा प्रोड्यूस एंड हाउ मच गेट एक्सपोर्टेड. और उसके बाद उसी के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि इनका साइकिल टाइम क्या होता है, क्योंकि प्रोड्यूस हो रहे हैं, पैकेजिंग में जा रहे हैं, उसके बाद दे आर एक्सपोर्टेड एज वेल. तो लाइक आई एम अमेज, लाइक ख़राब नहीं होता. बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है आपका. 5000 एप्पल की वरायटी है. आप अगर एप्पल की हर रोज़ एक वरायटी खाएँ, आप सेम वरायटी 15 साल के बाद खाएँगे. लेकिन कुछ 10-15 ही वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसको बिग स्टोर्स जो हैं, हम कहते हैं कॉस्को, वॉलमार्ट और सब सोबीस, ये कैरी करते हैं. और कनाडा जितने एप्पल खाता है वो 1/7 ही प्रोड्यूस करता है उसके. ओके. बाकी उसको कनाडा को इंपोर्ट करने पड़ते हैं. और दूसरा आपने पूछा कि कितना लंबा स्टोर में रह सकता है. कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो आप 365 दिन स्टोर में रख सकते हैं पूरे का पूरा साल. इसीलिए जो हमारा साइकिल है, आप कहते हैं कि साइकिल, तो वो जो कुछ वैरायटीज़ हैं वो 140 दिन में तैयार हो जाती हैं बाहर. कुछ वैरायटीज़ 160 डेज तक तैयार नहीं होती. वी स्टोर दीज एप्पल्स इन अ स्टोरेज, एंड स्टोरेज भी एक हम CA स्टोरेज में स्टोर करते हैं जो कंट्रोल्ड एटमोसफियर स्टोरेज है. इसमें हम सेल ब्रेकेज नहीं होती. तो मतलब तो इस तरीके से एप्पल काइंड ऑफ खराब नहीं होता और प्रिजर्व रहता है. हाँ जी बिल्कुल. और वो एप्पल फिर हम हर महीने में निकाल के पैक करते हैं, बेचते हैं. और जो नॉन सेलेबल है, लाइक पहले बताया आपको कि उसका साइडर या उसके पाइज में या हाँ जी दे गेट यूटिलाइज. हाँ जी. तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, शायद मैंने एक चीज़ पहले ही पूछी थी और शायद उस चीज़ का जवाब नहीं हो पाया कम्प्लीट, मे बी या मैं समझ नहीं पाया. बट प्रॉब्ली you have your own house, you were settled in British Columbia, Vancouver, you have your farming business over there. Aur mujhe ek baat samajh nahi, wahan pe apples you never tried growing ya wahan pe apple ki kheti nahi ho payi? Kyunki I know that like British Columbia is known for growing fruits, ya fruits produce ke liye kafi acha hai. No, ye bahut badhiya question hai aapka. British Columbia bahut badhiya apples hote hain ji, par ye प्रॉब्लम यह है कि जो लार्ज स्केल पे खेती करनी है तो वहाँ ज़मीन पहले तो बहुत महंगी है. $1.5 लाख को एकड़ ज़मीन है. 100% एक तो ये है. और दूसरा ये हम यहाँ पे हैं जो हाई वैल्यू वैरायटीज़ यहाँ बेटर होती हैं क्योंकि गर्मी कम है न्यू ब्रंसविक में. और तीसरी बात यह है कि हमारे मार्केट बहुत नज़दीक है. देखो आज एक एकड़ में अगर 20 टन एप्पल पैदा करो ना जी, तो वहाँ पे उसको यहाँ पे लाके ट्रांसपोर्ट करो क्यूबेक या ओंटेरियो या न्यू इंग्लैंड स्टेट्स में 28 मिलियन लोगों की आबादी है जबकि कनाडा की 32 मिलियन है. राइट. एक ही पास आपके साथ में जिसमें न्यू ब्रंसविक बॉर्डरिंग है. Exactly. और यहाँ पे आपको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के एक एकड़ का $10,000 खर्चा है. और आप कोई यहाँ पे 300 मिलियन ईस्टर्न सी बोर्ड, 500 मिलियन यूरोप, 800 मिलियन लोगों को आप की आपको एक्सेस है. तो इतनी बड़ी एक्सेस, इतनी बड़ी मार्केट और ज़मीन सस्ती और एप्पल बढ़िया पैदा होए और अच्छी वैरायटी पैदा होए और $1.5 लाख का क्यों खर्चा करेंगे. दैट्स अ स्ट्रेटजिक मूव आई वुड से. हाँ. एंड दैट्स अ सिंपल मैथ व्हिच ही डिड. एंड प्रोबब्ली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन न्यू ब्रंसविक. डू यू माइंड इफ यू हेल्प मी telling everyone to please
लाइक द वीडियो एब्सोल्युटली. आप देखो जी, ऑर्चर्ड या मेरे बारे में तो कुछ भी ख्याल आपके हो सकते हैं. ये है कि आप ये ब्लॉग आगे जरूर शेयर करें, ये आप इनकी हौसला अफजाई आगे शेयर करके करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. right. बिल्कुल. अगर मुझे दोबारा मौका मिला डॉक्टर साहब से मिलने का, एंड इफ ही इज विलिंग टू शो मी द प्रोसेस लाइन, यू नो द टिश्यू कल्टिवेशन और स्टोरेज लाइन एज वेल, सो प्रॉब्ली इफ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ व्लॉग आउट ऑफ दैट एंड मीट हिम इन पर्सन, एंड वहाँ पे भी जानेंगे हाउ द प्रोसेस वर्क्स. आई डोंट प्रॉमिस बट या आई गिव अ ट्राई फॉर दैट एंड आई पुश हिम. फिलहाल के लिए आई नो दिस व्लॉग इज प्री लॉन्ग, फिलहाल के लिए आई वुड गोना से बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज 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 गाइज सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना. थैंक्स फॉर नाउ, सी यू अगेन, बाय.